राजस्थान के अलवर में दहेज की मांग के चलते एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना अधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि परिवारवादी मुबारक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन की शादी में निमली गांव में 2 साल पहले हुई थी। आए दिन उसकी बहन के साथ ससुराल में गलत व्यवहार होता है। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, जिसकी उससे मौत हो गई है। वहीं पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। अलवर से महावीर की रिपोर्ट। और मैंने अपनी बहन की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ, आयशा की शादी जावेद सनो रफीक गांव नीमली उसके साथ में की थी 27/5/2022। जब से अब तक वो मेरी बहन को दहेज के लिए बार बार टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने मिलजुल के छः सातों ने मिलजुल के और पहली तारीख और 5वां महीना 2024 को उन्होंने हत्या कर दी। नीमली गांव में विवाहिता की मौत का मामला है। विवाहिता के परिजनों ने तिजारा थाने में रिपोर्ट दी है। इनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 498-304B में। घटनास्थल का निरीक्षण हम कर चुके हैं। पंचायतनामा लाश का बन चुका है और मेडिकल बोर्ड गठित करवा के उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अनुसंधान जारी है। जैसे ही अनुसंधान में जो जो चीज़ें क्लियर होंगी उनमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।